दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स को और बेल आइकन दबा के पाइए नोटिफिकेशन आगे आने वाली सारी वीडियोस की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुर त्यागी और मैं आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पर। दोस्तों इस चैनल पे हमने एक नई सीरीज चालू करी है SEO के लिए, तो जिन लोगों को SEO सीखना है और जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको SEO की सारी जानकारी मिल पाए। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के SEO होते हैं और आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेजरली SEO के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑन पेज SEO और दूसरा होता है ऑफ पेज SEO। दोस्तों ऑन पेज SEO होता है जो अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, वेबसाइट के सारे इंडिविजुअल पेजेस पे, ताकि आप अपनी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है उसको ग्रो कर सकें। दोस्तों ऑन पेज SEO के अंदर हमें अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है सर्च इंजन के हिसाब से। हमारे सर्च इंजन कौन से होते हैं, जैसे गूगल के हिसाब से, याहू के हिसाब से, बिंग के हिसाब से, जो कि पब्लिक यूज़ करती है, ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंकिंग के अंदर आने लग जाए और हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। दोस्तों ये जो ऑन पेज SEO है ये पहली चीज़ होती है जो करनी होती है SEO के अंदर। अगर आप एक वेब मास्टर हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं या SEO के अंदर हैं, तो आपका सबसे पहला काम होता है ऑन पेज SEO करने का। अगर आप कोई न्यू पोस्ट लिख रहे हैं तो आपको वो ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है सर्च इंजन के हिसाब से। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको जैसे कि हेडिंग्स होती है, आपको उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है SEO के हिसाब से। आपकी हेडिंग्स के अंदर कीवर्ड होने चाहिए जो कि पब्लिक सर्च करती है सर्च इंजन के ऊपर, वो आपकी हेडिंग्स के अंदर इंक्लूड होने चाहिए ताकि सर्च इंजन फाइंड कर पाए कि जो कस्टमर गूगल पे टाइप कर रहा है वो आपकी साइट से रेलिवेंट है। तो आपको एक रेलिवेंसी देखनी है तो वो आपको हेडिंग के अंदर इंक्लूड करना है। पेज के टाइटल्स के अंदर वो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। आपका जो डोमेन नेम है, कोशिश कीजिए कि आप डोमेन नेम के अंदर भी उसको SEO ऑप्टिमाइज करें, और उसके बाद जो आप इमेजेस डालते हैं अपनी वेबसाइट पे वो भी सारी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, या आप ब्लॉग लिखते हैं जो उसके अंदर आप इमेजेस ऐड करते हैं वो भी सारी आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। दोस्तों ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको सर्च इंजन फ्रेंडली करने हैं ताकि आप सर्च इंजन के अंदर शो हो। दोस्तों आपकी साइट छोटी है चाहे बड़ी साइट है आपकी, लेकिन आपको अपनी साइट पे जेन्युइन कंटेंट डालना है जो कि इंटरेस्टिंग है और जो कि रेलिवेंट है आपकी ऑडियंस से। अगर आप रेलिवेंसी नहीं डालेंगे अपने कंटेंट के अंदर तो दोस्तों सर्च इंजन आपके कंटेंट को समझ नहीं पाएगा। तो आपको रेलिवेंट कंटेंट डालना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ऑन पेज SEO के अंदर आती हैं। दोस्तों कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ऑन पेज SEO के जो आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी वेबसाइट के लिए ऑन पेज SEO कर रहे हों। सबसे पहला होता है हेडिंग्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। तो आपको अपनी हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद आपका आता है टाइटल ऑफ द पेज। जो भी आपके पेज का टाइटल है आपको उसको रेलिवेंट रखना है, उसके अंदर आपके कीवर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स। दोस्तों जो आप डिस्क्रिप्शन डालते हैं और जो टैग्स डालते हैं वो आपके रेलिवेंट होने चाहिए और उनके अंदर भी आपके कीवर्ड इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद आपको इमेजेस और जो पिक्चर्स है वो सारी ऑप्टिमाइज करके लगानी पड़ेगी। दोस्तों ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल मस्ट चीज़ें हैं। अगर ये आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर लेते हैं तो आप ऑन पेज SEO आपका एक नंबर का हो जाएगा। गाइस इमेजेस एंड पिक्चर्स के बाद आपका आता है URL स्ट्रक्चर एंड डोमेन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपका जो URL स्ट्रक्चर है और जो डोमेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा सर्च इंजन के हिसाब से, ताकि जो सर्च इंजन है वो आपके जो URL है और डोमेन की इन्फॉर्मेशन है उसको ईजिली समझ पाए। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन एंड क्विक। दोस्तों जो आपकी वेबसाइट है उसकी जो नेविगेशन है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए वो कंफ्यूज ना हो कि बेसिकली जो आपकी वेबसाइट का पर्पस है वो क्या है। तो आपको वो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी लोडिंग स्पीड आती है। जो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है वो आपको अच्छी रखनी है। दोस्तों लोडिंग स्पीड के लिए आपको कई चीज़ें मिलेंगी, इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप लोडिंग स्पीड अपनी वेबसाइट की कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों लोडिंग स्पीड के बाद आपकी आती है फ्रेश एंड क्वालिटी कंटेंट। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
अगर आप किसी का कंटेंट चुरा के अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं तो दोस्तों आप रैंक नहीं कर पाएंगे। आपको फ्रेश एंड क्वालिटी कंटेंट लिखना है अपनी वेबसाइट के लिए और जो कि रेलिवेंट होना चाहिए आपके ऑडियंस से। तो दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑप्टिमाइज एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंक्स। दोस्तों आप जो अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक्स डालते हैं, कुछ आप इंटरनल लिंकिंग भी करते हैं अपने दूसरे ब्लॉग्स पे और कुछ आप एक्सटर्नल लिंकिंग भी करते हैं, तो वो आपको ऑप्टिमाइज करने हैं ताकि सर्च इंजन उन चीज़ों को समझ पाए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑन पेज एसईओ में आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आप ऑन पेज एसईओ आपकी वेबसाइट का अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ऑन पेज के बाद आपको ऑफ पेज एसईओ करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? दोस्तों ऑफ पेज एसईओ में आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं करते हैं, इसमें आप दूसरे के वेब पेज या दूसरे की वेबसाइट से ट्रैफिक लेके आते हैं जहाँ पे पहले से ट्रैफिक होता है। जैसे कि आप कोई नॉन ब्लॉग है उससे कोई लिंक ले लेते हैं जिस पे पहले से ट्रैफिक है ताकि आपकी साइट पे वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए। दोस्तों ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपकी लिंक बिल्डिंग आती है कि आप कैसे बैक लिंक ले सकते हैं दूसरे की वेबसाइट पे जिस पे पहले से काफ़ी ट्रैफिक है। दोस्तों आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि आप किसी ब्लॉग को आप पढ़ते हैं और उस पे डेली 100,000 लोग उस ब्लॉग को पढ़ते हैं, अगर आपको उस ब्लॉग से एक छोटा सा लिंक मिल जाए अपनी वेबसाइट के लिए तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि आपको कितना ट्रैफिक मिल जाएगा। दोस्तों ऑन पेज एसईओ को अगर आप 2-3 महीने में एक बार भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऑफ पेज एसईओ को आपको डेली करना पड़ता है क्योंकि इसमें आपको रेगुलरली न्यू लिंक बनाने पड़ते हैं ताकि सर्च इंजन आपको प्रायोरिटी दे, ताकि सर्च इंजन आपको ये समझ पाए कि ये वेबसाइट को डेली नए लिंक मिल रहे हैं कहीं से, तो इस वेबसाइट में कुछ ऐसा अच्छा है जो हमारे रीडर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी जो सर्च इंजन की रैंकिंग है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों आपको कोशिश क्या करनी है ऑफ पेज एसईओ में, कि आपको हाई क्वालिटी के बैक लिंक मिल पाए। अगर आपको हाई क्वालिटी बैक लिंक आप अपनी वेबसाइट के लिए जनरेट कर पाते हैं तो दोस्तों आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन में आराम से हायर रैंक कर पाएंगे और अनलिमिटेड ट्रैफिक आप जनरेट कर पाएंगे अपनी वेबसाइट के लिए। दोस्तों जो ऑफ पेज एसईओ होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है सोशल मीडिया का, सोशल बुक मार्किंग का और लिंक बिल्डिंग का। आप सोशल मीडिया से भी लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं कि आपको ट्रैफिक लेके आना है सोशल मीडिया से, अगर आपको लिंक मिल जाए वहाँ से। आप सोशल बुकमार्किंग साइट्स होती है वहाँ से भी लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, और एक लिंक बिल्डिंग अलग से होती है जो आप दूसरे के ब्लॉग से ट्रैफिक लेके आते हैं। तो ये कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं ऑफ पेज एसईओ के। दोस्तों ऑफ पेज एसईओ को आपको डिटेल्स में समझाऊँ कि आप लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया और सोशल बुकमार्किंग कैसे कर पाएंगे, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ लिंक बिल्डिंग से। दोस्तों जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होती है वो लिंक बिल्डिंग पर डिपेंड करती है, लिंक की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है बल्कि लिंक की क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि आप उस लिंक को कहाँ पे, कहाँ से लेके आए हैं अपनी वेबसाइट पे, उसकी क्वालिटी कैसी है। दोस्तों आप जितने हाई क्वालिटी बैकलिंक अपनी वेबसाइट के लिए ले पाएंगे उतना आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है, क्योंकि सर्च इंजन आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा अगर आपके लिंक अच्छे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक्सटर्नल लिंक भी ऐड कर सकते हैं। मान लो कि आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे के रैंक को, दूसरे के ब्लॉग को डाल सकते हैं अपनी ब्लॉग पे, ताकि जो आपकी ऑडियंस है उसको भी वैल्यू प्रोवाइड हो। और इससे क्या होगा, अगर आप क्वालिटी बैक लिंक, एक्सटर्नल लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट पर डालते हैं तो दोस्तों ये आपकी वेबसाइट में, आपके एसईओ में भी फ़ायदा करता है। इसके अलावा दोस्तों आप जो भी बैक लिंक लें वो आप कोशिश करें कि आप हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लें। आप गूगल पे जाके सर्च करें कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट आपके नीश में कौन कौन सी है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि मेरे को आपसे बैक लिंक चाहिए, मैं कैसे ले सकता हूँ। आप उनके लिए ब्लॉग लिख सकते हैं, या आप उनके लिए, उन्होंने कोई ब्लॉग लिखा है आप उस पर नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है लिंक बिल्डिंग करने का। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा तरीका आता है ऑफ पेज एसईओ में वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। दोस्तों आपको पता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कितनी चल रही है आज के टाइम पे, और सोशल मीडिया पे कितनी ऑडियंस है,
जो कि डेली सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों, अगर आप इफ़ेक्टिव सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं और अगर आप अपने ब्लॉग को शेयर करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और आप उधर भी ऑडियंस बनाई हुई है आपने, तो आप एक क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए। दोस्तों, ये ऑफ पेज एसईओ का एक पार्ट होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो आपके सोशल मीडिया हैं उनको ऑप्टिमाइज करके रखें ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से प्रमोट कर पाएं सोशल मीडिया के ऊपर भी। दोस्तों, इसके बाद जो आती है ऑफ पेज एसईओ के अंदर, वो है सोशल बुक मार्किंग। दोस्तों, सोशल बुक मार्किंग लोग बोलते हैं इफेक्टिव नहीं है, लेकिन दोस्तों सोशल बुक मार्किंग आज भी बहुत इफेक्टिव चीज़ है अगर आप इसको ढंग से करना जानते हैं। दोस्तों, सर्च इंजन, अगर आप सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स पे अपनी वेबसाइट के लिंक छोड़ते हैं तो सर्च इंजन उन चीज़ों को क्रॉल करता है। आप अपने पेजेस को बुक मार्क कर सकते हैं सोशल बुक मार्किंग साइट्स पे। तो सोशल बुक मार्किंग साइट्स को ढूंढने के लिए आप सिंपल गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं टॉप सोशल बुक मार्किंग साइट्स, आप उस पे देख सकते हैं। आप अपने नीश के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी चुन के उसके अंदर आप कमेंटिंग कर सकते हैं, अपने पेजेस को बुकमार्क कर सकते हैं, और वहाँ से अगर आप अपने कंटेंट पे बैकलिंक लेके आते हैं तो दोस्तों आप एक हाई क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है ब्रांड बिल्डिंग के लिए अगर आप अपने कॉन्टेंट को वायरल करना चाहते हैं एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस के अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी और आप समझ गए होंगे कि कितने टाइप के एसईओ होते हैं और आप इनको कैसे यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।